एंड वेलकम बैक माय चैनल। और हम बात कर रहे हैं संवर्धना मदर सन इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसमें बोनस इशू हुआ है। इसकी वजह से फ्राइडे के अंदर इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, करीब करीब 4 से 5% इसके अंदर तेज़ी थी, क्योंकि ये लास्ट दिन था और इसकी रिकॉर्ड डेट मंडे की थी। जिसने फ्राइडे के अंदर इसमें डिलीवरी ली है उसको मंडे को उसको डिलीवरी हो जाएगी, उसकी वजह से वो रिकॉर्ड डेट के अंदर आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं कहूँगा, अगर बोनस के लिए कर रहे हैं तो मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर बोनस जो फ्राइडे को दिन से डिलीवरी ले चुका उनको ही इशू होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो, ताकि नई वीडियो नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो चलते हैं, देखते हैं मदर सन सुमी के अंदर क्या कारोबार हुआ और उसमें अभी फिलहाल क्या करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। चलो देखते हैं मदर सन संवर्धना मदर सन इंडिया लिमिटेड मदर सन सुमी की, जो इसके अंदर अभी फिलहाल बोनस का इशू है। तो ये बोनस इशू हो चुका है और देखा जाए तो इसकी एक्स डेट मंडे के दिन 3 अक्टूबर 2022 है, और बोनस जो इशू हुआ है 1:2, यानी जिसके बाद दो शेयर इशू है उसके एक शेयर मिलेंगे। और इसकी रिकॉर्ड डेट करीब करीब देखा जाए तो 5 अक्टूबर 2022 की रिकॉर्ड डेट है। और देखते हैं आज इसमें कारोबार वगैरह कैसे। मदर सन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड का जो फिलहाल अभी नाम है संवर्धना मदर सन इंटरनेशनल लिमिटेड हो चुका है। ये बहुत पहले हो चुका है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर कन्फ्यूज़न है और वो कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि एक मदर सन संवर्धना मदर सन इंटरनेशनल है और एक मदर सन सुमी वायरिंग लिमिटेड है, इसलिए दोनों कंपनी इन अलग अलग है। फिलहाल उसमें दोनों कंपनी में बोनस का ही इशू हुआ, वो वहाँ भी बोनस इशू हुआ है 30 तारीख को, और इसमें बोनस इशू हुआ था और इसकी एक्स डेट और लास्ट डेट है। इसकी वजह से फ्राइडे के दिन इसकी लास्ट डेट थी, रिकॉर्ड लास्ट डेट थी, इसलिए करीब करीब ये 5% तक ऊपर चला गया था, 5 से 6% तक। फिलहाल ये जब ओपन हुआ तो ओपन होने के साथ ये 106 तक चला गया था और इसने हाई बनाया था 111.50 रुपये इसने हाई बनाया था, और लो इसका था 104 रुपये। देखा जाए तो इसका 52 वीक हाई जो है करीब करीब 257 है और 52 वीक लो 102 रुपये है। देखा जाए तो ये करीब करीब 52 वीक लो के करीब ही फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। देखते हैं इसके अंदर टिकट टेप के ऊपर क्या राय है, वो भी एक बार देख लेते हैं। संवर्धना मदर सन इंटरनेशनल के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर करीब करीब आज 5 से 6% तक का इसके अंदर और उछाल देखने को मिला, क्योंकि फ्राइडे के दिन इसकी लास्ट डेट थी जो जो इसके अंदर बोनस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से इसके अंदर करीब करीब 5 से 6% की तेज़ी देखी गई। करीब करीब आज फिलहाल जो ओपन हुआ उसके बाद इसने हाई लगाया 111 का और इसने लो लगाया था 104 का। करीब करीब देखा जाए तो ये फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 109 पे। अगर फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो फोरकास्टिंग इसमें है 2023 की, अगर देखते हैं जो ये हाई अगर जा सकता है तो 137% तक जा सकता है, करीब करीब 258 के प्राइस तक जा सकता है। करंट प्राइस देखा जाए तो 109 रुपये है और मीडियम 143 रुपये तक है, यानी 32% तक जा सकता है। अगर लो की बात करें तो -23 तक माइनस जा सकता है, जिसकी बहुत कम उम्मीद है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही है। और फिलहाल एंट्री पॉइंट भी इसके अंदर ज़बरदस्त है, अभी इसके अंदर एंट्री पॉइंट अच्छे तो प्रमोट कर सकते हैं। और 22 एनालिस्ट की राय है इसके अंदर परचेस करने की, और देखते हैं इसके अंदर फाइनेंशियल वगैरह क्या है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं 2020 के अंदर करीब 61,371 करोड़ का कारोबार हुआ था, और 2021 के अंदर 58,000 करोड़ का इनका टर्नओवर हुआ था, और 2022 के अंदर 64,411 करोड़ का इनका टर्नओवर हुआ था। अगर देखा जाए तो नेट इनकम इनकी हुई थी 2020 के अंदर 1,170 करोड़ की नेट इनकम हुई थी, और फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 1,039 की इसके अंदर नेट इनकम आई थी, और फिलहाल 2022 के अंदर 873 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले ये साल प्रॉफिट कम हुआ है। और देखा जाए इसके अंदर फिलहाल इसके अंदर अगर होल्डिंग देखते हैं तो होल्डिंग्स करीब करीब प्रमोटर्स की होल्डिंग 68% होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर करीब करीब 7.71% म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो है 2.79% डोमेस्टिक लगा हुआ है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 9.49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल का भी पैसा लगा हुआ है। और हम जैसे आज जैसे रिटेल जो है इसमें भर भर के लिए करीब करीब 11.86 इसके अंदर
रिटेल का भी पैसा लगा हुआ है, देखा जाए तो काफ़ी इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है और म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का भी पैसा लगा हुआ है। अगर वीडियो को अच्छी लगी एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे अच्छी और इससे बेहतर लेकर आ जाऊँ। ओके, थैंक यू।